Today, first of all, you have to mention date and day. Date and day. Our topic is simple past tense. Simple past tense. Past. The verb that is done in the past. The work that is done in the past is called simple past tense. जो काम हम कर चुके हों, उसको हम क्या कहेंगे? Simple past tense. जो काम हमने कल किया होगा, वो हम उसको क्या कहेंगे? Simple past tense. यानी simple past tense हम इसलिए use करते हैं ताकि हम कल के बारे में बता सकें कि हमने कल क्या किया था. आगे समझ? कल जो हमने किया था, हमने आज उसको डिस्क्राइब करना है. आगे समझ? अब देखें, हम लोग उनको पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है. सिंपल पास्ट टेंस में एक चीज क्या याद करेंगे आप लोग? कि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. क्या यूज करना है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है. जैसे देखें, आपके पास ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म है. ईट क्या है? फर्स्ट फॉर्म. ईट का क्या मतलब है? खाना. ठीक है, आपकी इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? एट. आपने सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है और इसके अंदर जो पार्टिसिपल यूज होता है वो क्या है? ई डी. क्या यूज होता है? ई डी. समझ आ गई आप सबको? अब मैं आपको इसकी सिंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगी कि सिंपल पास्ट टेंस. अच्छा, आपको मैं एक और चीज बता दूं. रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब जो है वो एंड होंगे ईडी पे. किस पे होंगे? रेगुलर वर्ब ईडी पे एंड होंगे, यानी पार्टिसिपल क्या लगेगा? ईडी. और इररेगुलर जो होते हैं वो एंड होते हैं, जैसे राइट है, इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रोड. ये रेगुलर है, इसके आपने एंडिंग जो है ईडी पे करनी है. और ये इररेगुलर है, इसको राइट से रोड हो जाएगा. आगे समझ आप लोगों को? अब मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगी बाय यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस. याद रखिएगा कि सेंटेंस फॉर्मेशन यानी जुमला बनाना, हम किस तरह से सिंपल पास्ट को यूज करते हुए हम लोग सेंटेंस बनाएंगे. अब मैं आपको बताती हूँ सेंटेंस बनाना. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट. इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंसेस. दीज आर ये जो सेंटेंसेस है ये सबसे इजी सेंटेंसेस हैं. हमने जस्ट इसके अंदर सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज करना है. स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जो सबसे पहला जुमले का वर्ड होता है दैट इज सब्जेक्ट. स्टार्ट ऑफ द सब्जेक्ट, स्टार्ट ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ऑब्जेक्ट. जो लास्ट पे सेंटेंस के होता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट. और हमने दरमियान में क्या लगाना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. आगे समझ? अब आपको मैं बताऊं सब्जेक्ट में क्या यूज करते हैं. ही हो गया, शी हो गया, एनी नेम हो गया, ये सब्जेक्ट में आ सकते हैं. जैसे कि माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर. और ऑब्जेक्ट में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कोई भी चीज, टेबल, चेयर, एनीथिंग. आगे समझ? और आपके दरमियान में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है. अब मैं आपको एक सेंटेंस बनाना बताती हूँ कि आप इसको यूज करते हुए किस तरह से एक सेंटेंस बनाएंगे. शी एट एन एप्पल. सिंपल सेंटेंस है. सब्जेक्ट की जगह शी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट. ये आपको मैंने
सिंपल सेंटेंस है हमारा, अब हमने इसे नेगेटिव बनाना है. नेगेटिव नेगेटिव. रिमेंबर दैट बॉयज, व्हेन वी मेक अ सेंटेंस बाय यूजिंग नेगेटिव, नेगेटिव से आपको एक बात याद करवाई थी, वो क्या थी? नॉट. क्या चीज याद करवाई थी? नॉट. अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने नेगेटिव जब सेंटेंसेस बनाने हैं तो उसमें हमने नॉट लगाना है. तो नॉट जब लगाएंगे तो हम लोगों ने सिर्फ सिंपल नॉट यहां पे नहीं लगाना, हमने लगाना है डेड नॉट. क्या लगाएंगे? डेड नॉट. अब नेगेटिव है तो याद रखें कि नॉट तो लगेगा. आपको मैंने बताया था कि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है, तो हमने ये डेड जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डू की, तो यानी डेड नॉट हम यहाँ पे लगाएंगे. अब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना बताऊंगी कि आपने इस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे लेना है. सिंपल बात है, यू हैव टू रिमेम्बर दैट यू हैव टू राइट डेड नॉट इन द इन दिस सेंटेंस. ओके, नेगेटिव सेंटेंस, शी डेड नॉट. अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताऊं. शी डेड नॉट, शी एट. एट जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और आप दोनों देखेंगे कि डेड भी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. अब आप लोग एक और चीज याद रखेंगे, जब डेड आ जाएगा सेंटेंस में, डेड नॉट आ जाएगा, तो हमने ईट की जब एट की जगह एट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, आपने यहां पे फर्स्ट फॉर्म लगानी है ईट की. जो फर्स्ट फॉर्म है ईट है, सेकेंड फॉर्म एट है. एट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें सेंटेंस में दी होगी, जो कि हमने चेंज करके फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि हमारे पास सेंटेंस के अंदर एट जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है, इस वजह से हम लोग दूसरी जगह पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करेंगे. रिमेंबर दैट कि एक सेंटेंस में दो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आती, इस वजह से डिड नॉट लगा दिया है तो एट की जगह ईट आ जाएगा. आगे समझ? यानी कि एक सेंटेंस के अंदर दो जो है हम लोगों ने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करनी, इस वजह से शी डिड नॉट ईट एन एप्पल. इसको मैं आपको दोबारा से समझा देती हूं कि एक सेंटेंस के अंदर दो हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं यूज करनी, इसीलिए एट की जगह हमने ईट लगा दिया. डिड नॉट हमने यूज किया तो हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी. याद रखिएगा, जब डिड नॉट होगा तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. अब आपको मैंने आप बताया था कि डिड नॉट लगाया है मैंने, तो डू जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, उसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? डिड. जब हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ यूज कर ली है तो हम यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं करेंगे. ये आप लोगों ने बात याद रखनी है. अब नेगेटिव आपको समझ आ गया होगा. अब मैं आपको बताती हूँ इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको, आपने उर्दू में भी पढ़ा होगा कि ये सवालिया क्वेश्चन होते हैं, ये सवालिया जुमले होते हैं. इसके एंड पे सबसे पहले याद रखें, इंट्रोगेटिव जहां पे लेना होगा उसके एंड पे क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क. वी यूज क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. आप लोगों को एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जब इंट्रोगेटिव आएगा तो लास्ट पे क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क. और फिर आप लोग ये याद रखें, हमने इस सेंटेंस में यानी नेगेटिव बनाया था तो हमने शी के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हमने डिड यूज किया था. अब इंट्रोगेटिव है तो हम लोग डेड को पहले ले आएंगे. जब पहले लेकर आएंगे, डेड का डी कैपिटल होगा. डी कैपिटल क्यों किया? क्योंकि ये स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस है, इस वजह से डी कैपिटल होगा और शी इसके बाद में आ जाएगा. डेड शी. अब शी का एस मैं स्मॉल रखूंगी क्योंकि सेंटेंस का स्टार्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है और उसके बाद जो आता है वो स्मॉल होता है. डेड पहले आ गया, हमने इंट्रोगेटिव में नॉट को यूज नहीं करना. डेड शी, बाकी वही रहेगा ईट एन एप्पल.